लड़की ने डरना छोड़ दिया, चुप्पा रहना छोड़ दिया, अक्षर के जादू ने उस पर असर बड़ा जो बेजोड़ दिया। वह कविता पाठ्यक्रम में है, लोग पढ़ते हैं, मैं कुछ पंक्तियों में बात करूंगा। संस्कृति बोल सभ्यता बता, संस्कृति बोल सभ्यता बता, बेटी क्या है माँ बाप है क्या, हम महज पालने वाले हैं, हम पाल पोष कर हृदयांश अब उन्हें सौंपने वाले हैं। दुनिया तेरे दस्तूर है क्या, सचमुच दस्तूर निराले हैं, जिस ओर बेटियां जाती हैं उस ओर उजाले जाते हैं। ये खुशियों के आंसू भरकर क्या देख रही अपलक आंखें, बेटी तो पराये घर की है, लीप अमिट पत्थर की है, इसमें जीवन स्पंदन है, सहृदयता की धड़कन भी है, भाई से लड़ने मिलने के दिन नहीं भुलाए जाएंगे। लेखक को नहीं जानती थी वो फिक्र पिता की करती थी, मैं क्षुदा विस्मृत लिखता था जब लेखनी छीन रख देती थी, मम्मी कब से है बोल रही, पापा अब तो खाना खा लो, कल फिर ड्यूटी पर जाना है, पापा जी अब तो सो जाओ, यह भी क्या बात निराली है, हर पिता और हर माता ने बेटी किस तरह से पाली है। डर क्या होता है जातिका ने होने न कभी आभास दिया, लड़की लड़के से कमतर है यह भाव फटकने ही न दिया, कोरोना हो ब्लैक फंगस देखा तेरा विवेक साहस, ज्योति की तू पावन दौर जोखिम में बड़ी बहादुर तू, कोरोना काल तेरी ड्यूटी जब गजब रिपोर्टिंग करती थी, बीमार ट्वीट करते तुमको शासन से तुरंत जोड़ देती, सरकार समस्या सुन पाती, राहत में जान बच जाती, तू खाली खबर नवीस नहीं, जन सेवा में 19 नहीं, तू अगर मदद नहीं कर पाती क्या जान हमारी बच पाती, हम तुम्हें जन्म देने वाले तुम हमको जीवन देने वाले, मुस्तैद रही सैनिक समान, कर्तव्य निष्ठता का गुमान, दहकते सवालों जैसे थे कोरोना व्याकुल किसान, चैनल ने टास्क दिया तुमको तुमने संभाल ली थी कमान, तुम नाइट शिफ्ट में जाती थी मेरी नींद साथ ले जाती थी, तुम नाइट शिफ्ट में जाती थी मेरी नींद साथ ले जाती थी, फिर चिंतित होती थी क्या पापा तुम अभी तक नहीं सोए, पारू जागा है देख रहा, मम्मी ने मुझको देखा है, हम लाइव लोकेशन जुड़े हुए, बेफिक्र आप सो जाओ, अब मेरे साथ सुरक्षा गार्ड भी है, पेट्रोलिंग कंट्री कार भी है, सोते हैं तुम बस आ जाओ मेरी चिंता पर मत जाओ, लेकिन जब तुम घर में आती जागता हुआ हमको पाती वो तुमको नींद नहीं आती, तुमने चैलेंजिंग जॉब लिया, बुद्धि विवेक से काम लिया, जो करना है सो अच्छा कर, जो बनना है सो अच्छा बन, तेरे निर्णय के साथ है, सब छोड़ दिए अपने आग्रह, तेरी इच्छा को मान लिया, हम सोचे थे शिक्षिका बने तू पत्रकार बनकर आई, तेरी मनसा तेरी इच्छा जब हमने तपन ने बतलाई, हम सोचे आसान मार्ग तू कठिन रास्ता चुन पाई, जब तक आजाद का पास रही तब तक एहसास हुआ ही नहीं, अब दूर चली तो आज पिता होने का भी एहसास हुआ, गुस्सा भी कभी किया तुमने थोड़ी सी और गुस्सा भी कभी किया तुमने, डांटे भी तुम्हें बताड़े भी, जैसे भी थे हम बने रहे बेटी तेरे सहारे भी, बेशक तू माँ सासू माँ की हुई पर गैर नहीं नेहर की हुई, जितना पारू उतनी अजू ज्यादा कम कभी नहीं होगी, जब तक प्राणों में प्राण और जब तक सांसों में सांसे हैं माँ बाप का न्याय अटल होगा, संकल्प है न कोरी बातें, क्या अब जातिका दूर हुई यह प्रश्न परेशान करता है, माँ पिता अजातिका के हैं हम, आयुष भला भाई भी है, फिर क्यों कल्पना कष्ट देती, क्या बात परेशानी की है, हम ढलते सूरज की संध्या बच्चे तो घोर उजाला हैं, जब शकुंतला थी विदा हुई तब कर्ण ऋषि बेचैन हुए, प्रायः जो डांटा करते थे उनके भी गीले नयन हुए, वैसी ही दशा हमारी है, मैं पिता खामियों का पुतला, मेरी न हिदायत है कोई पर शायद मीनू जैसी दुनिया में मां नहीं हो, मेरी नादानी कमकली फर्ज अदा कोता ही भी, ये मनसा नहीं मजबूरी थी, हम क्षम्य पिता माता भाई,
साहित्य संस्कृति में जिसकी वेदना समाई रहती है ये रिश्तों की है विडम्बना, सदियों से इसकी बनाई है। नेहरू जी जब कारा में थे पुत्री को खत लिखा करते, वे पिता सुशिक्षित की भांति जैसी स्वराज की चिंता करते, बेटी के विद्याध्ययन की वैसी ही फिक्र किया करते। कुछ पिता भागे होते हैं जो बच्चों को कम सुख देते हैं, वे भी होते हैं विवश मगर वे भीतर भीतर रोते हैं। हर पिता कामना करता है इस अवसर को अनुभूत करे, इस तालिम की फेतलाना शाहजहां की जहां नारा, सम्राटों ने भी लोहा माना, मैं आम आदमी हूँ कोई मैं नहीं हूँ कभी निराला, किंतु निराला की सरोज। तो बेटियों की कहानियां कविता हैं, हमारे सब शोधार्थी समझते हैं। पढ़कर है कौन नहीं द्रवित होता, जा बेटी फर्ज निभाना तू, माँ बाप तेरे हैं सास ससुर उनका ही प्यार अब पाना तू, पर हमें भूल अच्छी।